हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन। तो देखिए, 1.5 केजी हमने चिकन ले लिया है। इसको अच्छे से हमने वॉक कर लिया है, धुल लिया है। और ये देखिए, हमने कुछ गरम मसाला ले लिया है। 3 इंच का हमने आदि का टुकड़ा ले लिया है, और लहसुन है 2 पोटी, और ये कुछ गरम मसाला है, और ये काजू बादाम है। काजू बादाम थोड़ा डालने से क्या है कि स्वाद जो है थोड़ा बढ़ जाता है। आज हम दूसरे तरीके से चिकन बनाएंगे, और उसके लिए 1.5 किलो चिकन के लिए 3 पाव 750 ग्राम हमने प्याज ले ली थी। प्याज को जो है हमने अच्छे से रफ कर ली थी, काट ली थी, और उसे धुल करके अब हम प्याज को जो है फ्राई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम फ्राई करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो प्याज देखिए, एक बराबर सा हम चलाएंगे ताकि कोई कच्ची पक्की ना रहे। बिल्कुल अच्छे से हम इसे प्याज को फ्राई करेंगे। तो प्याज देखिए एकदम फ्राई हो रही है। अभी हम इसे बहुत अच्छा फ्राई करेंगे। अभी भी ये अच्छे से लाल नहीं हुई है प्याज हमारी। तो प्याज देखिए बिल्कुल लाल हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। और ये देखिए, मसाला जो हमने दिखाया था, गरम मसाला था, बिल्कुल नॉर्मल मसाला था। और 1 स्पून हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग नमक डालिएगा। और ये सारा मसाला ऐड कर देंगे। अब हम इसे भी चला लेंगे। तो ये देखिए, मिर्चा तो हमने डाला ही था, और ये जो है वो मिर्च है, कश्मीरी मिर्च है। इससे क्या है कि हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल रेड कलर की हो जाएगी, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी, और खाने में भी टेस्टी है, और देखने में तो गजब की अच्छी है। तो देखिए, इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें हल्का सा ग्रेवी लगा देंगे, फिर हम कुकर को ढक देंगे। तो चिकन देखिए बन चुका है, 1 सीटी आ चुकी है। अब हम इसे फ्लेम को बंद करते हैं, और थोड़ी देर में हम सर्व करते हैं। तो देखिए, देखने में इसका, फ्लेम को हमने बंद कर दिया था, चूल्हे से उतार लिया है। देखिए, इसका देखने में कलर बहुत ही अच्छा है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। और देखिए, सलाद भी रेडी हो चुका है। तो देखिए देखिए गाइस, हमने ये सर्व कर दिया है चिकन, और ये सलाद भी बन गया है, ये पुलाव भी हो गया है। अब हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।